नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र प्रकरण नंबर 4 राजपूत युग की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, राजपूत युग का उदय कब हुआ? तो जैसा कि हमने पहले प्रकरण में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय, जिसमें क्या होता है, तो पुलकेशी द्वितीय की जो है वो युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है, और पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ सालों के बाद जो है हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है राजपूत युग का उदय होता है। आइए इस पाठ के सहारे हम जानते हैं। परिमल आज टीवी पर ऐतिहासिक सीरियल देख रहा था, जिसमें एक महल का दृश्य था। परिमल के मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसे महल तो आज भी मौजूद हैं, इन महलों को किसने बनवाया होगा? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर के लिए वह दादा के पास गया। दादा ने उसे निम्नानुसार जानकारी दी। तो बच्चों, इसमें क्या है, परिमल जो है वो टीवी देख रहा है और उसमें कोई ऐतिहासिक सीरियल देख रहा है, जिसमें उसे क्या दिखाई देता है, एक महल का दृश्य। और उस महल का दृश्य देखते ही उसके मन में सवाल होता है कि ये जो आज महल दिखाई दे रहा है, इन महलों को किसने बनाया होगा? तो इसके बारे में वो किससे पूछता है, तो अपने दादा से पूछता है, और उसके दादा जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। प्राचीन समय में ऐसे महल राजा बनवाते थे। ऐसे महलों में से कुछ महल अच्छी दशा में, कुछ महलों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। आज से भव्य महालयों के स्थापत्य और पहले के स्थापत्य के बीच अंतर देखने को मिलता है। तो बच्चों, परिमल के जो दादा हैं वो क्या बताते हैं कि जो महल है वो कौन बनवाता था? तो प्राचीन समय में राजा बनवाते थे, और आज के समय में कुछ महल जो है वो अच्छी दशा में है, और कुछ महलों के जो है अवशेष मिलते हैं। और अभी का जो स्थापत्य है, वर्तमान समय के स्थापत्य और प्राचीन समय के स्थापत्य में बहुत ही अंतर दिखाई देता है। इसी अंतर के कारण उसके निर्माण का समय काल जाना जा सकता है। और बच्चों, इसी अंतर के कारण जो है वो जो भी महल है, जो भी मंदिर है, उसका समय काल हम जान सकते हैं। राजपूत काल के दौरान बने स्थापत्य आज भी हैं। उनके विषय में जानने के लिए हमें भारत के राजवंशों के बारे में जानना जरूरी है। आइए हम भारत के मुख्य राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, नए राजवंशों का उदय, अब ये नए राजवंशों का उदय किस तरह हुआ होगा? तो बच्चों, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु ईस्वी सन की 7वीं सदी के मध्य भाग के बाद शासन व्यवस्था के अंग के रूप में काम करने वाले सामंत सरदार स्वतंत्र होने के लिए हलचल करने लगे। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हर्षवर्धन की जो जब मृत्यु हुई, तब उसके राज्य में जो सामंत सरदार थे वो क्या करने लगे, तो स्वतंत्र होने के लिए हलचल करने लगे, और ये सामंत और सरदार स्वतंत्र शासक बन गए। और ये जो सामंत और सरदार थे, ये क्या हो गए, तो स्वतंत्र शासक बन गए, जो अलग अलग राजवंशों के नाम से पहचाने जाते हैं। अब देखिए, नक्शा में दिखाई देने वाले राज्य आज किस नाम से पहचाने जाते हैं, वे राजपूत युग के किस राज्य में आए हुए हैं, उस राज्य के किस राजवंशों के क्षेत्र में आपका वर्तमान क्षेत्र आता है। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ नक्शे में हम देख सकते हैं, भारत में ये जो ग्रीन कलर है, इसमें कौन कौन से हैं, तो पाल हैं, और फिर पाल राजवंश हैं, और उसके बाद जो है आप देखोगे केसरी कलर जो है, हल्का केसरी, उसमें कौन कौन से हैं, तो उसमें देखो गुर्जर प्रतिहार आते हैं। और जैसे कि यहाँ पर विचार करने को कहा गया है कि आपका क्षेत्र किस राजवंश में आता है, तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हम कहाँ रहते हैं, तो गुजरात में रहते हैं। तो गुजरात में उस समय किसका, गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था।
था ये नक्शे में हम देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपके मन में सवाल होगा कि सामंत, सामंत क्या? तो सामंत विशाल साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों में 3 भाग में बांटा जाता था। जिस प्रदेश की कर वसूली जिसे सौंपी जाती थी उसे सामंत कहते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो क्या होगा कि जिस प्रदेश की कर वसूली जिसे सौंपी जाती थी या राजा सौंपता था उसे उस क्षेत्र का या उस प्रदेश का सामंत कहा जाता था। सामंत जो कर वसूलता था उसमें से कुछ हिस्सा सम्राट को देता था और शेष अपने पास रखता था, जिसमें से वह सेना तैयार करता था, अपने सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर सेना की मदद करता था। मतलब कि उसका काम सिर्फ महसूल वसूली करना नहीं, साथ साथ सेना तैयार करना भी था, और राजा को जब ज़रूरत पड़े तो वह सेना की मदद देता था। किसको? राजा को। समय के साथ साथ सामंत शक्तिशाली होते गए, जिससे सामंतशाही अस्तित्व में आई। 7वीं सदी के अंत में सम्राट हर्ष के साम्राज्य में राजनीतिक शक्ति की एकता टूट गई। मतलब कि अंदरों अंदर झगड़ा होने लगा। क्यों झगड़ा होने लगा? तो बच्चों क्योंकि वहाँ का राजा कौन था, तो सम्राट हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वहाँ के जो सामंत थे, वहाँ के जो सरदार थे, वो आपस में ही लड़ने लगे, और क्या हुई, राजनीतिक शक्ति की एकता जो थी वो टूट गई। सामंतशाही शक्तियों का उदय हुआ और भारतवर्ष अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। देश में अनेक राजवंशों का उदय हुआ। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजा जो था वो सामंत स्वयं बनाते थे और उनको प्रदेश सौंपा जाता था कि इस प्रदेश के आप सामंत, इस प्रदेश के आप सामंत। तो यहाँ जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो ये सामंत क्या करते हैं, तो जो प्रदेश के वो सामंत होते हैं उस प्रदेश पर वो अपना कब्जा जमा लेते हैं, जिसके कारण भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, जिसमें उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान और दक्षिण भारत में पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, चेर, पांडे और चोल मुख्य शासक थे। 8वीं से 12वीं सदी के समय काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल के मध्ययुगीन शासकों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य, जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हर्ष के पश्चात कन्नौज में जो राजा हुए उसमें यशोवर्मा की गिनती एक शक्तिशाली राजा के रूप में होती है। उसके बाद के समय में कन्नौज में प्रतिहार वंश की शासन की स्थापना हुई। इन प्रतिहारों ने भारत को अरबों के आक्रमण से बचाया था। इस वंश में मिहिर भोज नामक शक्तिशाली शासक हुआ। यह प्रतिहार राजा का इतिहास में भोज या मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। उसके शासन दरमियान उसके और राष्ट्रकूटों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। राष्ट्रकूटों से संबंधित जानकारी अब हम आगे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों ये जो चित्र है ये किसका है, यशोवर्मा। यशोवर्मा यानी कब, तो जब हर्ष जो है, हर्ष की मृत्यु हो गई उसके बाद उनमें हर्ष के पश्चात कन्नौज में जो राजा हुआ, मतलब हर्ष की मृत्यु हो गई, तो कौन आया गद्दी पर, यशोवर्मा, जो महान शक्तिशाली राजा था। मालवा में परमार वंश का शासन था। उज्जैन और धारा नगरी मालवा के मुख्य शहर थे। धारा नगरी अर्थात वर्तमान मध्य प्रदेश का धार जिला। परमार वंश के मुंज और भोज अच्छे शासक तो थे ही, साथ साथ वे कभी भी थे। वे राज दरबार में विद्वानों को आश्रय देते थे। राजा भोज ने धारा नगरी को विद्या नगरी बनाने के लिए संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए महाविद्यापीठ की स्थापना की। इस समय अनेक स्थापत्य बने। परमार और दक्षिण के चालुक्यों के बीच निरंतर लड़ाई चलती रहती थी। भोज के बाद मालवा की सत्ता कमजोर पड़ गई। बिहार और बंगाल में पाल वंश एवं सेन वंश के शासकों का शासन था। पाल वंश के शासकों के नाम के बाद पाल जुड़ा होने से वह पाल वंश के शासक कहलाए।
तो बच्चों उनके नाम के पीछे क्या जुड़ा होता था, पाल, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था, पाल वंश के शासक। और ये शासकों का शासन कहाँ था, तो बंगाल और बिहार की साइड। अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से पाल वंश के शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। चौहान और चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदार राजस्थान के विविध भागों में ईस्वी सन 7वीं और 8वीं सदी के में राज करते थे। उनमें से एक शाखा 8वीं सदी के प्रारंभ में अजमेर के उत्तर सांभर सरोवर के नज़दीक शांकभरी नामक जगह पर राज करती थी। 12वीं सदी में अजयराज शांकभरी की गद्दी पर बैठा। उसने अजय मेरु नामक नगर की स्थापना की, जो बाद में अजमेर के नाम से जाना गया। तो बच्चों, कभी काल प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर की स्थापना किसने की, तो अजय मेरु नामक नगर में जो है वो अजमेर के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है अजय राज शांकभरी ने की। चौहान वंश के शासकों ने तोमर की राजधानी ढीलक, जिसको दिल्ली कहा जाता है वर्तमान समय में, पर विजय प्राप्त करके राज स्थापित किया। इस वंश में पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा नामक प्रतापी राजा हुआ, जो भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। उसके युद्ध मैदान के पराक्रम वीर गाथा और लोकगीतों के विषय बन गए हैं। चंद बरदाई नाम के विख्यात कवि ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीर कथाओं का उल्लेख किया है। पृथ्वीराज चौहान और साहबुद्दीन गोरी के बीच के युद्ध की जानकारी आगे के प्रकरण में हम प्राप्त करेंगे। मेवाड़ के गोहिल पुत्र या गुहिलोत के बाद जो सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए हैं, उनका मध्यकालीन इतिहास में अनोखा स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के स्थापक बप रावल थे। इस वंश में कई प्रतापिक शासक हुए, जिनका परिचय आगे के प्रकरण में हम प्राप्त करेंगे। राजपूत काल दरमियान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण जबलपुर के आसपास के प्रदेशों में चेदी वंश के शासक राज्य करते थे। वो कलचुरियों का चेदी राज्य कहलाता था। उसकी राजधानी त्रिपुटी, जो वर्तमान समय में किस नाम से, तेवार के नाम में थी। मध्यकाल में गुजरात के अड़हिड़वाड़ पाटन में राजपूत वंश, चावड़ा वंश और उसके पश्चात सोलंकी वंश का शासन था, जिसकी जानकारी हम आगे के प्रकरण में पढ़ेंगे। अब आया दक्षिण भारत। अभी तक जो हमने पढ़ा वो किसकी बात थी, तो उत्तर भारत की बात थी। और अब दक्षिण भारत में, तो राजपूत काल दरमियान दक्षिण भारत में कई छोटे बड़े राज्य स्थापित हुए। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके विशाल साम्राज्य का अंत हुआ और चालुक्य वंश छोटी छोटी शाखाओं में बट गया। जिस तरह बच्चों उत्तर भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद नए राजवंशों का उदय हुआ, उसी प्रकार दक्षिण भारत में पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है वहाँ पर राजपूत काल का उदय हुआ और छोटी छोटी शाखाओं में चालुक्य वंश बट गया। चालुक्य वंश में कई शासकों का शासन उल्लेखनीय था। दक्षिण भारत के राज्यों में पल्लव वंश और चोल वंश का भी समावेश होता है। पल्लव वंश के राजाओं ने नरसिंह वर्मा को शक्तिशाली राजा माना जाता है। तो बच्चों दक्षिण भारत में कौन हुआ, नरसिंह वर्मा, और उत्तर भारत में यशो वर्मा। पल्लव वंश के शासन में अनेक निर्माण कार्य हुए। कांची के कैलाशनाथ मंदिर की गिनती उसी में होती है। इस समय के शासक साहित्य और कला के प्रेमी थे। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, पुलकेशी द्वितीय ने अपने समय काल में क्या किया था, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था, जिससे पता चलता है कि उसे स्थापत्य से बहुत लगाव था। उसी तरह जो पुलकेशी द्वितीय के बाद जो शासक आए, उन्होंने भी यही कार्य किया। इस समय के शासक साहित्य और कला के प्रेमी थे। पल्लव वंश की तरह दक्षिण में चोल वंश का भी शासन था। उनकी राजगद्दी तांजोर थी। चोल वंश के राजाओं ने सिलोन, जिसको श्रीलंका कहते हैं, पर चढ़ाई की थी और उसके कई भागों को कब्जा कर लिया था। चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौकादल था, जिससे वे समुद्र पार के देशों पर चढ़ाई कर सकते थे। राजराज प्रथम ने राज्य प्रशासन की सुंदर व्यवस्था की थी। उसने जमीन पर सीमन और स्थानीय स्वराज की शुरुआत की थी।
इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चेर वंश और पांड्य वंश के शासकों ने भी शासन किया था। इस तरह राजपूत काल दरमियान समग्र भारत के छोटे बड़े भागों में विविध वंश शासन करते थे। एक दूसरे का प्रदेश जीतने के लिए उनके बीच लड़ाई होती थी। इन आपसी लड़ाइयों के कारण उनके बीच एकता नहीं थी, जिसका बाहरी आक्रमणकारियों ने लाभ लिया। राजपूत काल के शासन व्यवस्था और उस समय की सभ्यता एवं संस्कृति संबंधित जानकारी हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। अब बच्चों, मध्यकालीन राजपूत वंश के शासक। तो कश्मीर में उत्पल वंश के शासक राज्य करते थे। कामरूप, जो वर्तमान समय में असम के नाम से जाना जाता है, में सालंब, हरजर वर्मा, वनमाल वर्मा जैसे शासकों ने राज्य किया था। प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्र पाल जैसे राजा हो गए। गांधार में शाहिया वंश के शासक राज्य करते थे। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। शुरुआत में ढिल्लक, जिसे दिल्ली में तोमरों का शासन था। अब बच्चों, ये सब चीज़ों की हमें जानकारी किसमें से मिली है? तो छोटू भाई नायक जो है वो मध्य युगीन भारत, उन्होंने एक पुस्तिका लिखी हुई है, तो उस पुस्तिका के भाग एक में जो है उसमें ये जानकारी दी गई है। वो पुस्तिका कहाँ पर है? तो गुजरात यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का पतन होने पर राष्ट्रकूट वंश सत्ता पर आया। राष्ट्रकूट का अर्थ राष्ट्र या प्रांत का बड़ा अधिकारी। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापक उस जाति का कोई एक अधिकारी था और उस पर से उसका नाम राष्ट्रकूट पड़ा होगा। इस वंश में अनेक शासकों ने, गोविंद तृतीय नाम का शक्तिशाली शासक हुआ था। उसने 8वीं सदी में दक्खन में अपनी सत्ता सर्वोपरि बनाई थी। दक्षिण में पांड्य वंश के शासकों का राज्य था। पांड्य राज्य अत्यंत प्राचीन माना जाता है। मेगास्थनीज नामक विदेशी यात्री ने पांड्य वंश के शासकों के विषय में लिखा है कि इस जाति का शासन स्त्रियां करती थी। अशोक ने शिलालेख में पांड्यलेख का उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु में इस समय मदुरा में तिरुनेलवी जिला है, वहाँ पांड्य राज्य था। दक्षिण में चेर वंश का शासन था। चेर का दूसरा नाम केरल है। प्राचीन समय में चेर अथवा केरल तमिल प्रदेश का एक भाग था। बाद में उसमें से मलयालम अथवा केरल प्रदेश अलग हुआ। मतलब कि बच्चों, पहले केरल और तमिलनाडु जो है वो एक ही प्रदेश थे, ठीक है ना। अशोक के अभिलेख में कपिलपुत्र राज्य नामक उल्लेख किया गया है। इस वंश में अथम द्वितीय चेर राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इस वंश को शेतुंगवंग नामक शक्तिशाली शासक हुआ। अब आपके मन में विचार आएगा कि दक्षिण भारत के कई शासकों को नौका दल क्यों रखना पड़ा? तो इसके पीछे का रीज़न, जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि केरल जो है, केरल और तमिलनाडु तो ये राज्य ऐसे हैं जो समुद्र किनारे हैं, और उस समय व्यापार करना हो या दुश्मनों से लड़ाई करनी हो तो उसके लिए नौका दल जो था वो सहायक था। फिर प्राचीन स्थापत्य की देखभाल क्यों की जाती थी? क्योंकि दक्षिण भारत में ही जो है प्राचीन स्थापत्य का विकास हुआ था। पहले के समय मंदिरों की तरह ही कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे स्थापत्य का निर्माण क्यों किया जाता था? तो बच्चों, जैसा कि जानते हैं, पहले के समय में लोग कैसे थे? धार्मिक थे। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता था और लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलकर जाते थे और प्रजा के हित के लिए जो है राजा कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे स्थापत्य बनवाते थे। इसके बाद है मध्यकालीन दक्षिण के राजवंश। बच्चों, जो हमने पहले पढ़ा, ये कौन थे? ये राजपूत वंश के शासक थे। अब जो है मध्यकालीन दक्षिण के राजवंश, जिसमें वातापी बादामी में चालुक्यों का शासन था, मानेखेट में राष्ट्रकूटों का शासन था, द्वार समुद्र में होयसलों वंश के शासकों का राज्य था, देवगिरी में यादवों का शासन था,
तांजोर में चोल वंश का शासन था। और इसकी भी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो छोटू भाई नावक की पुस्तिका में से। राजपूत शासकों का जोश। राजपूत बहादुर थे, राष्ट्र के लिए शहीद होना वे गौरव मानते थे। रणभूमि में पीठ दिखाने से पहले वे मृत्यु अथवा केसरिया करना को पसंद करते थे। मरना लेकिन डरना नहीं, शरण में आए हुए के हर हाल में रक्षा करना, सत्य बोलना और सत्य के लिए लड़ लेना, ये उनकी खास विशेषता थी। राजपूतानिया अपने सतीत्व और निडरता के लिए मशहूर थी। वे हंसते हंसते पति पुत्र या भाई को रणभूमि में विदा करती थी। ये वही वीरांगनाएं थी जो जरूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में निकल पड़ती थी। अपने पति के हार जाने या वीर गति पाने पर अधिकतर जौहर आग में जलकर मर जाना को पसंद करती थी। राजपूत युग की ऐसी वीरता भरी गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो राजपूत युग पूरा होता है। अब आपको जो है ये प्रश्न उत्तर स्वयं करना है, जैसे कि सामंत किसे कहते हैं, तो मैंने जैसा कि आपको आगे बताया, और पल्लव वंश में कौन कौन से शक्तिशाली शासक हुए उनकी दो सिद्धियों के बारे में लिखना है। पूर्व मध्ययुग अर्थात कौन सा समय, तो वो भी आपको मैंने बताया है। मध्ययुग के राजपूतों और राजपूतानियों की विशेषताएं क्या क्या है, तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो ये राजपूत शासकों का जोश इसमें से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ये राण की वाव। अजूबे के समान सात मंजिल की राण की वाव आज पाटन में है। भीमदेव प्रथम की रानी उदयमती ने उसका निर्माण कराया था। शिल्प स्थापत्य वह बेजोड़ नमूना है। वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा आबू पर्वत पर बनवाए गए देलवाड़ा मंदिर के जैन दरासर के स्तंभों, कमानों, गुंबजों और ताक की सभी जगहों पर कुशल शिल्पकारों ने संगमरमर में बारीक से बारीक नक्काशी काम किया है। वस्तुपाल और तेजपाल धोलका के राणा वीर धवल के मंत्री थे। वस्तुपाल ने गिरनाल, पालीताना, सेठा और डबोई वगैरह स्थानों पर भी जैन मंदिर बनवाए थे। बच्चे इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर जो है ये पाठ का पूरा होता है।